हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू बच्ची के लिए गर्मियों के लिए झबला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सूट का बचा हुआ कपड़ा है, तो कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाना है। दोनों पल्ले की हम एक साथ में कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सीधी कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम रखेंगे 10 इंच और 1 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है। तो 11 इंच पर हमें निशान लगाना है, ठीक है। और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने 11 इंच पर कटिंग किया है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे, तो 2 इंच पर हमें निशान लगाना है। गले की गहराई हम 1 इंच रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम शोल्डर की जो चौड़ाई है वो भी 1 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। और आर्महोल की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर हमें निशान लगाकर हल्की सी गुलाई करनी है। और सीने की जो चौड़ाई है वो हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे, तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने देखी कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछे में और भी पट्टी कटिंग कर लेते हैं। 1 या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी झबला की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलना सिखाएंगे। तो पल्ले को हम यहाँ पर उल्टा रखेंगे और सबसे पहले हम गले पर इस तरह से पट्टी को सिलेंगे, ठीक है। तो पट्टी को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे और नीचे की तरफ हमें पट्टी सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको इस तरह से रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने देखी पट्टी को नीचे की तरफ सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसको फिर से उल्टा रखेंगे और आर्महोल की साइड भी हमें पट्टी को सिल लेना है। तो इस तरह से और भी पट्टी को रख के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हमें इसको सीधी तरफ से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 आर्महोल पर पट्टी को सिल लिया है।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी इस तरह से पट्टी को रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर सीधी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को सिल लिया है और यहाँ पर हमने एक पल्ले को तैयार कर लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पल्ला तैयार करा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर साइड फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी पट्टी है इसमें इस तरह से कपड़े के ही लटकन लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने चारों पट्टियों में लटकन लगा लिए हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा गर्मियों के लिए झबला बनकर तैयार हो गया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। साथ में हमने इसकी लंगोट भी बनाई है, तो लंगोट किस तरह से बनाते हैं तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।